कि हम आप जो ये चंद्रमा को मामा कहते हैं, पूरा संसार मामा क्यों कहता है? एक बार की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्नों में लक्ष्मी जी निकले और चंद्रमा भी निकला था। तो लक्ष्मी और चंद्रमा ये सगे भाई हैं, इनका बंटवारा हुआ तो लक्ष्मी जी विष्णु जी को प्राप्त होती हैं। विष्णु जी को जब ब्याहेंगे लक्ष्मी जी, तो विष्णु जी जगत पिता हैं और लक्ष्मी जगत माता हैं, और लक्ष्मी जी का भाई है चंद्रमा और वो जगत का मामा है, क्योंकि वो जगत के माता पिता हैं विष्णु और लक्ष्मी, तो चंद्रमा भी। लेकिन कैसे चंद्रमा एक बार बड़ा दुखी अपने मन में हो जाता है, कहता है कि एक दिन चंदा नील गगन मां। एक बार चंद्रमा अपने मन में बड़ा दुखी हो गया, कहता है सारे देवताओं की पूजा होती है और जबकि मैं भी लक्ष्मी और विष्णु का भाई और विष्णु का शाला, लेकिन हमें कोई पूजता ही नहीं। बड़ा दुखी मन में अपनी बात कहता है देवताओं के बीच में कि एक दिन चंदा नील गगन मां, वो तो सोचते अपने मन मजरा शिवा तो सब सोम में खोया। लक्ष्मी का भाई है तो मुझे क्या?
दिया कि जाओ हम जगत के पिता हैं, लक्ष्मी जगत की माता, तो तुम जगत के मामा हो। सारा संसार चंद्रमा को मामा कहता है। और चंद्रमा का पूजन करवा चौथ के दिन जो सुहागिन स्त्रियां करती हैं और उनके पति की लंबी आयु होती है, तभी से चंद्रमा का पूजन करवा चौथ के दिन किया जाता है। भोली बाबा के बिहारी लाल की।